गोली पड़ी और आपका वीडियो भी शूट हो रहा है। हम उसके डाल रहे थे, अपने क्यों डाल लिया। हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद सबके जहां में आप सब का स्वागत है। उम्मीद करती हूं कि आप सब ठीक होंगे। आप सबके दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है, और यही उम्मीद से आपसे बात कर रहे हो कि आप सब भी ठीक होंगे, और नहीं ठीक होंगे तो ठीक हो जाइए, क्योंकि सब कुछ अच्छा हो ही जाता है। और सबा के बर्थडे ब्लॉग में, बर्थडे पार्टी में आप सबका स्वागत है। अभी मैंने सिर्फ टॉप पहन लिया, स्कर्ट पहनना है, मैं लेंसेज लगा लूं, मैं आपको भी दिखाती हूं कि मैं कैसे लेंस लगाती हूं। ठीक है, सनी को बोलना पड़ेगा कि आके शूट कर दो, अभी वो अपनी अम्मा से बात कर रहे हैं। चलो आप शूट कर दो प्लीज। फ्रेंड्स, ये है लेंसेज, मेरा राइट आई का लेफ्ट आई का अलग अलग है। क्या बेटा, रेड तो क्रिसमस के दिन पहन रहे हैं ना? पक्का आज वाला। हाँ, हाँ। नीचे कौन सा चीज है, ब्लू है और नीचे ब्लैक है। नीचे लगा ब्लैक है, एक निकाल लेंगे। ये देखिए, ये लेंस है इसमें, और ये लिक्विड के अंदर भरा हुआ है, वरना खराब हो जाएगा। इसको खोल लिया, हैंड वॉश कर लेंगे। हैंड्स ना हमेशा लगाते वक्त साफ होने चाहिए। अभी आपने कुछ खाना वाना खाया हो चटपटा और आंखों में लगा दो डायरेक्ट, तो ये नहीं करना है। ठीक है, आहिस्ते से ना इसको हमें उठाना है, वरना ये फट जाता है बहुत जल्दी। और इसको यहाँ रखना है। यहाँ लाइट बहुत कम है, मुझे दिख ही नहीं रहा। मैं ना बार बार अपनी पलक झपक देती हूँ, थोड़ा सा टाइम लगता है। देखिए, आंख में बैठ गया, अभी मुझे सिर्फ नीचे देखना है। लग गया, लग गया, आर्टिफिशियल। चलो अभी मैं दूसरा लगाती हूँ। तो देखो, अगर आप डिफरेंस देख सकते हैं तो बहुत ज्यादा लाइट ग्रे भी नहीं है, ऐसा है कि समझ भी ज्यादा नहीं आएगा। समझ में आ रहा है, तुम्हारी दोनों आंखों का अलग अलग है ना। भूरी आंखें हो गई मेरी। ये कौन सी क्यूटी है, अच्छी लग रही है। ब्लैक सही लग रहा है, रेड लगाऊं। रेड क्रिसमस वाले दिन क्रिसमस कुछ करेंगे भी। हाँ, उनसे बोलेंगे अच्छा सा खाना बनाओ और सब रेड रेड कर दो। रिजा प्यारू लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना ये साइड में, बीच में साइड में। सनी भाई का शूज मिला, ढूंढ रहा है वो। मेरी ड्रेस कैसी लग रही है? हाँ, बहुत अच्छी है। स्कर्ट की चेन टूट गई, बस एक पिन नहीं मिल रहा था हिजाब में लगाने के लिए, एक छोटा सा पिन मिला था, वो स्कर्ट की चेन ही निकल गई। तो सिलते हैं उसको साइड से। ये बात सुन, ये वाला पिन से इसको यहाँ दबाती है, इतना नहीं दिखेगा वो। अगर सिल गया तो ऊपर करो, तुम भी सच में। मैंने नहीं तोड़ा। आपको पिन निकाल के यहाँ पे लगवा लिया, और आंटी ने आके स्टिच कर दिया। थैंक यू, तुमसे जितना हुआ तुमने किया, लेकिन थोड़ा भी तुम ही ने था। वो चीन यहाँ पे सिलाई पे आके अटक जाती है, वो जा ही नहीं रही, तो मैंने उससे कहा कि ताकत से ऊपर कर देगा, ज्यादा ही ताकत लगा दी। ठीक है, समझ नहीं आ रहा। फाइनली नीचे से बुलावा आ ही गया, अभी हम चल रहे हैं नीचे। जैसे हम नीचे पहुंचे फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा सा डेकोरेशन था, मैंने दिन भर से ज़्यादा देखा नहीं था, और वेलकम भी बहुत अच्छा हुआ था। पूरा डिटेल में आप भाई के व्लॉग में चेक करिएगा। बहुत ही अच्छी अरेंजमेंट की थी भाई और भाभी ने, और मुझे बड़ा ही अच्छा फील हो रहा था। और इस बार अल्हम्दुलिल्लाह सनी साथ में था, तो और भी ज़्यादा स्पेशल था। प्रतीक भाई सबको याद दिला रहे हैं केक लगाना है, तो भाभी मेरा साइड लेके कह रही है आज नहीं, मतलब आज तो रेडी हुई है, आज नहीं कर सकते भैया, आज मेरे अगर केक लग जाता ना तो मैं तो बस बैठ ही जाती। बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, है चेहरा तुम्हारा कि दिल है सुनहरा, और उस पे ये काली घटाओ का पहरा, जो लहरा तो जुल्फे तो शर्माए बादल, जो खालिद भी देखे तो हो जाए पागल, वो पाकीज़ा मूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। इतना जबरदस्त, इतना भाजी कुछ गा दो, पसीने छूट गए गाना गाने में। सनी ने मेरे लिए गाया। हाँ। तुम ये सामने का स्टेप देख के मेरे लिए करके दिखा दो। कल परसों
फ्रेंड्स रिजा रियाना जिद कर रहे थे कि सनी के साथ ना कपल वाला डांस करो, और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता और उससे ज़्यादा सनी को भी नहीं आता, तो ये मुझे प्रैक्टिस करा रही थी कि आप ऐसे ऐसे करना, और बहुत ही हंसी आ रही थी मुझे। और आज के मेन्यू में था चाइनीज कुजीन, ऐसी बोलते हैं ना, तो बस हमने सबने आज बाहर बैठ के खाया। ये बहुत अच्छा कराया था भाभी ने कि बाहर करा दिया था, क्योंकि हल्की हल्की ठंड में बाहर बैठ के खाना एक अलग ही फील आता है। खाना खा के हो गया है, इसको खांसी आ रही है, लेकिन फिर भी इसको मिरिंडा पीने का मन कर रहा है। आज मेरी बर्थडे खुशी में सब कुछ कर लो, ठीक है, ऐसे कुछ नहीं होगा। आज का बर्थडे जो है वो निकल गया, एक साल इंतजार किया, इस दिन का बर्थडे चला गया। नहीं, तुम्हारे पास तो बहुत सारे दिन आए थे ना अभी शादी में, रोज तुम्हारे लिए वो था बर्थडे। बर्थडे कुछ नहीं था, मेन शादी था, वो हो गई। और बस हम सब यहाँ बैठ के बाहर बातें कर रहे हैं, और आज सनी ने बच्चों को दुनिया भर का ज्ञान दे मारा, और आप देखो बच्चे कितना सीरियस सुन रहे हैं। पापा अभी तक देख रहे हो टीवी? ठीक है, अब तो घड़ी उतार दो। अरे वाह, बहुत पका रहे हैं भैया दोनों। नहीं नहीं नहीं, गलत है, गलत है। मैं चला रहा हूँ, चप्पल भी नहीं लेके आई, सनी की चप्पल पहन के घूम रही हो। आप किसकी पहन रहे हो? भोपाल के जैसे बनाया, बहुत अच्छा लगा आपका डेकोरेशन के लिए भी, थैंक यू। फिर मिलते हैं, चलो मुबारक। हाँ, अरे नहीं खाना खा लो यार। और लंच में फिर मैंने डायरेक्ट शूट किया, और आज लंच में था साउथ इंडियन खाना, डोसा बहुत ही क्रिस्पी बनाया था, और मुझे सबसे ज्यादा पसंद है सांभर चावल, तो मैंने वो खाए। बोलते हैं ना, जो डर गया तो मर गया। बस अगर शेर आ गया तो तुम क्या करोगे बताओ? बस इतना बोलेंगे, भागो बोल के भाग जाएंगे। हम सब गए साथ में, तुम, मैं, सनी भाई, तो वापसी में मैं नहीं आया, तो आओ क्या जवाब दोगे? बोलेंगे आपकी बेटी चली गई। उससे पहले मैं शेर से लड़ूंगा। देखा, अब खा लेगा तो खा लेगा, क्या करेंगे? और अगर मुझे खा लिया फिर तुम क्या कहोगी मेरे घर वालों को? जा ही नहीं रहे। क्या पाइनएप्पल? पाइनएप्पल का ऐसा पेड़ होता था, मतलब झाड़ में लगता है। हमें बनाना है रील, आजकल बहुत ट्रेंड पे चल रहा है ना, पतली कमरिया मोरी। हाय हाय, हम में से किसी की पतली कमरिया तो नहीं है, सब तुम्हारी है। अरे मैं मोटा हूं, तुम्हें सिर्फ कवर मटकाना है। हम लोग क्या करेंगे? हाय 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 करेंगे, ठीक है यार। फ्रेंड्स हम लोग रेडी हो गए, और मैंने ये सनी का स्वेट शर्ट पहन लिया है, ये सनी का पहन लो, सेम सेम हो गया। हम लोग जा रहे हैं सनसेट पॉइंट, सो नाउ वी आर मूविंग टू, और वहाँ पे शेर भी हो सकता है, हो सकता है हम चारों में से कोई एक लौट के ना आए। अगर मैं ना आऊँ तो मेरे घर वालों को संभाल लेना। मैं नहीं जा रही भैया, मैं नहीं जा रही भैया, अभी कल ही तो मेरा जन्म हुआ। दिखाइए क्या यार, आप दोनों पकड़ लो, मैं भाग लूंगा। अगर कुदरत खासा बच के आ गए तो सोचो ब्लॉग कितना चलेगा। वो ब्लॉग कभी लाइव होगा ही नहीं, वो लाइव ही नहीं होगा, वो बनना ही पड़ा रहेगा, एडिट नहीं हो पाएगा। अभी जब हम लोग निकलने लगे तब हमें ध्यान आया कि हम लोग 5 लोग हो जाएंगे धर्म दादा को मिला के, और ऑटो एक ही है, ऑटो में सिर्फ 3 लोग बैठ सकते हैं, तो हम एक ऑटो और बुला लेते हैं, ठीक है। अरे ये भी है, ये भी एक छोटा, ये भी चाहेगा? हाँ, ये भी है। रिजा सो रही थी फ्रेंड्स, और हमें उसको सरप्राइज करने के लिए कुछ सामान लेने मार्केट जाना था, तो हमने आज डिसाइड किया कि आज हम सनसेट पॉइंट नहीं जाएंगे, आज हम मार्केट जाएंगे, लोनावला के मार्केट देख के आते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप सबको पता है कि रिजा को क्रिसमस बहुत ज्यादा पसंद है, तो हमने सोचा उसके लिए कुछ छोटा सा सरप्राइज प्लान करें। काफी टाइम बाद रेहान ने ऐसे बचपन की फरमाइश की थी, एक कार मांगी थी उसने, तो उसे हमने कार दिलाई, और मुझे बचपन की याद आ गई, तो मैंने सनी से कहा कि मुझे बॉल दिला दो। शेर आ गया, शेर आ गया।
और रास्ते में लौटते लौटते अमरूद दिख गए, वो भी लोनावला के स्पेशल बड़े बड़े अमरूद, तो हमने वो भी ले लिए हैं। चिक्की खाइए पहले। हाँ पहले खाइए। तभी हम लोग आ गए चिक्की लेने, क्योंकि लोनावला है तो चिक्की तो लेंगे। अरे ये रिहाना जो न्यू कार ली थी ना, वो ऑटो की सीट में छोड़ दी थी, और यहाँ पे मेरा दिमाग चला कि मैं कार को छुपा लेती हूँ, और अब आगे देखिएगा क्या लैम्बोर्गिनी होगी। चलो बाद में ढूंढ लेंगे। साथ में और पानी तो भैया, अगर आपको मेरी काली कलर की गाड़ी देखा तो आप प्लीज ले आना, ठीक है? इसी में। हाँ इसी में थी, पता नहीं कहाँ छोड़ दे रहे हैं। नहीं यहाँ पे थी। हाँ आप चिक्की लेने गए तभी भी यहीं पे थी। ऐसे काहे को छोड़ी, चलो वो देख लेंगे होगी तो। जब आप चिक्की लेने गए तो यहाँ पे पड़ी हुई थी। चलो कोई नहीं, आप देख लेना। सनसेट पॉइंट कल जाएंगे तुम्हारे साथ। सैलेक्स कर रही है? नहीं है हमारे पास। कौन से देख लो, हो ही नहीं सकता। हम ये क्यों करेंगे रेहान? शुगर फ्री चिक्की भी है, नॉर्मल पर अमरूद। अच्छा ये जो फैक्ट्री बनी है यहाँ पे, बहुत परेशान हो रहा है। मेरे पेट में बात नहीं रुकती, मुझे लगता है अभी 5 मिनट ही उसे ढूंढते हुए हुए, और मुझे लग रहा है दे दो। अच्छा कार मेरे पास है। और मुझसे नहीं बोला कर रहा भैया आपके ऑटो में अगर मेरी कार मिलेगी तो दे देना। देखो ये कितना लापरवाही, इतनी अच्छी कार दिलाई और बताओ इसने घुमा डाली। इसीलिए कभी कुछ नहीं दिलाते, सामान नहीं मिलेगा, अब कुछ नहीं मिलेगा। मैंने तो अच्छे से रखा हुआ था, उसे टिका के चक्कर में कार छोड़ दी। मैं जानता था दो कुछ नहीं जानते थे। मैं जानता था ये गाड़ी आपने, तुम तो और तुम्हें तो ऐसी दे थी। ये 1200 नहीं जानते थे यार। मैं 100% जानता था। 200 मिला के तो प्रिंटर आ जाता। क्या 200 मिला के प्रिंटर? इसको प्रिंटर दिला दो। चलो फ्रेंड्स, लोनावला आना उसूल हो गया, ठंड का एकदम फील आ रहा है। और अभी हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं? आग जलाएंगे, क्योंकि कहीं से आके खुशबू आ रही है। किसी ने साइड वाले बंगले में कहीं पे जला, लेकिन एक मसला हो गया, लकड़ी ही नहीं है। लकड़ी आने वाली है, लकड़ी को ढूंढते हैं। तो ये भी आ गया है, लकड़ी भी मिल गई, अभी एकदम मौधा वाला फील लेंगे हम लोग। जलेगी या नहीं? लगा दूंगी, तुम आग लगा दूंगी। बहुत गंदे हो। आग लगा देगा? आग लगा दूंगा। आग मैं भी तोड़ सकती हूँ। मिशन आग लगाना सक्सेसफुल हो गया है, तो जहाँ जहाँ आग लगवानी है हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ वाली आग, घरों में आग नहीं लगाएंगे। सही बात, घरों में आग कभी नहीं। थैंक यू। अब आ रहा है मजा, हैप्पी लगा दी। उड़ा दिया ब्लैंकेट, मुंह फैल लिया था, डब्बे में रखी थी। अम्मी को एकदम मजा का फील लेना है। मुंह फैल कुटर कुटर मुंह खाते अच्छा लग रहा है जैसा। चप्पल मत चलवा देना। रिजा ने डॉग को ब्लैंकेट उड़ा के आराम से लिटा दिया है। पापा अंदर लेट के देख रहे हैं सूर्यवंशम, हम सब की, पूरे इंडिया की फेवरेट फिल्म, जो हम सब ने 50 बार देखी है। और यहाँ पे मैं डाइट वाइट सब भूल भाल के 3 दिनों से सिर्फ खा रही हूँ और खा रही हूँ और खा रही हूँ। यहाँ पे बैठ के सब लोग बातें कर रहे हैं और आग सेक रहे हैं। अभी भी ब्लॉग एडिट हुआ है, मुझे अभी डालना है, उसका एंडिंग नहीं लिया था और मुझे एंडिंग लेना था, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल ब्लॉग है, मेरा बर्थडे ब्लॉग है। आप सबके इतने सारे कमेंट्स, इतने सारे मैसेजेस, इतने सारा प्यार आपने दिया है, सबने बहुत सारा प्यार दिया ना। थैंक यू सो मच। और इस बार का बर्थडे आपकी वजह से बहुत ज्यादा स्पेशल था, क्योंकि आप इस बार साथ में थे और आपने सबसे प्रीशियस गिफ्ट जो दिया मेरे लिए, गाना गाया। मुझे पता है आपके लिए बहुत हिम्मत का काम था, क्योंकि तुम शर्माते हो। मैं आज आपको आप कर रही हूँ। आपको क्या पसंद है ये बताओ। जो तुम बोलती हो वही बोलो, ज्यादा आप ना करो। और
अल्लाह का लाख लाख शुक्र है फ्रेंड्स, आप सबकी दुआओं का थैंक यू, बहुत ज्यादा थैंक यू, बहुत ज्यादा हम इस बात से खुश हैं कि हम लोग साथ में इस बार का बर्थडे बहुत स्पेशल था, इंशाल्लाह आगे भी है। बस आप सबकी दुआएं चाहिए फ्रेंड्स, और आप सबने बहुत सारा प्यार दिया है, आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो एंड करने से पहले भाई भाभी का स्पेशल थैंक यू, जिन्होंने हमारा ये शादी के बाद का जो पहला बर्थडे है उसे पूरा पूरा स्पेशल बनाने की अपने दिल से पूरी कोशिश की है, क्योंकि हमें पता है कि भाई अभी शूट पे भी जाते हैं, बीच में छुट्टी भी लेना, फिर अभी डायरेक्ट यहाँ से शूट पे जाना, और भाभी की तबीयत आपको पता है कि बिल्कुल भी सही नहीं चल रही है, उन्होंने यहाँ रिस्क लेके हमारे लिए यहाँ पे आया, बहुत अच्छा स्पेशल फील कराया, थैंक यू सो मच आप दोनों। थैंक यू भाई भाभी, थैंक यू। ये भी सामने इतना नहीं कहता, मैं भी सामने इतना नहीं कहती, इसलिए हमने यहाँ पे कह दिया, वो लोग देख लेंगे। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा जिसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आई लव यू, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।